गर्भवती महिलाओं को अपने आहार के बारे में पूरी और सही जानकारी होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि इस नाजुक समय में उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस समय महिलाओं को कई तरह के फल और सब्जी खाने की सलाह दी जाती है, जिसमें हरी मटर भी शामिल है। तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान मटर खाना सही है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हरी मटर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, विटामिन सी, फाइबर और प्रोटीन होता है। इससे प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने रोजाना की जरूरत के हिसाब से प्रोटीन और विटामिन मिल जाता है। 100 ग्राम मटर में 14.45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन 5.42 ग्राम, टोटल फैट 0.40 ग्राम, डाइट्री फाइबर 5.1 ग्राम, फोलिक एसिड 65 मिलीग्राम, नियासी 2.90 मिलीग्राम। पर क्या आप जानते हैं कि ये पोषक तत्व एक प्रेग्नेंट महिला के लिए कितना फायदेमंद होता है? मटर में फोलिक एसिड होता है, जो कि कोशिकाओं में डीएनए बनाने में मदद करता है। प्रेगनेंसी में मटर खाने से शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का खतरा कम होने में सहायता मिलती है। मटर में फाइबर, लाइकोपीन और ल्यूटीन होता है, जो हृदय को ठीक तरह से कार्य करने में मदद करता है। लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिससे कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचता। मटर में मौजूद अन्य पोषक तत्व एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रेगनेंसी में विकारों को कम करने के लिए विटामिन B9 चाहिए होता है। मटर में विटामिन बी उच्च मात्रा में होता है, जिससे शिशु को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाव मिल सकता है। ये विकार विटामिन B9 की कमी से होता है। मटर भ्रूण के कॉग्निटिव कार्य और विकास में मदद करता है। प्रेगनेंसी में सूप पीना बहुत फायदेमंद होता है और आप मटर का सूप बनाकर भी पी सकते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर और जरूरी विटामिन उच्च मात्रा में होते हैं। तो आप भी प्रेगनेंसी में हरी मटर का सेवन जरूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।